हेलो फ्रेंड्स, कल जेपीएससी ने पीटी का रिज़ल्ट जारी किया है और एक्सपेक्टेड था कि ये 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट जारी करेंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो गया क्योंकि 3 लिस्ट आई थी उसकी। तीसरी बार इन्होंने आंसर को करेक्ट किया था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, कितने छात्र क्वालिफाई कर पाए और क्या कट ऑफ रही। ऐसे तो बोला जाए तो मेरा भी हुआ है इसमें, मैंने पीटी क्वालिफाई करी। 17 मार्च को ये पेपर हुआ था। तो अभी टोटल देख लें तो जैसे कि इसमें लगभग 3,62,621 लोग थे जो शामिल हुए थे एग्ज़ाम में, जिसमें कि टोटल 7,011 छात्र जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए पीटी। पीटी जो होता है वो पहला स्टेज ऑफ एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस लिख सकते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो कुल मिला के इसमें 950 मार्क्स के मेंस होते हैं और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो टोटल 1,050 में मेरिट बनती है। अब कट ऑफ की तरफ देखें तो कट ऑफ इसकी जो गई है वो लगभग 246 अनरिजर्व की गई है, फिर बीसी वन की 246, बीसी टू की 246, एससी की 236, एसटी की 224, ईडब्ल्यूएस की 246, इस तरीके से बाकी का भी है। और मुद्दे की बात यह है कि जैसे कि हम लोग मतलब मान लीजिए कि जो इसका मेंस का सिलेबस है, तो मेंस के सिलेबस में यही है जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। और कितनी पद हैं, तो डिप्टी कलेक्टर के 207 पद हैं, जो पुलिस उप निरीक्षक जिसको डीएसपी बोलते हैं वो 35 पद हैं, उसी तरह राज्य कर अधिकारी के 56 पद हैं, सहायक कुल सचिव के 8 पद हैं, श्रम अधीक्षक लेबर सुपरिटेंडेंट 14 हैं, जिला समन्वयक जिला जेल अधीक्षक के 2 पद हैं, बिहार झारखंड शिक्षा सेवा के 10 हैं, इंस्पेक्टर उत्पाद के 3 हैं, परिवीक्षक अधिकारी के 6 हैं। टोटल महिलाएं जो सफल हुई हैं वो 1,159 और दिव्यांग 201 हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोग के साथ साझा करना था, और पढ़ते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, बिकॉज़ आप पढ़ेंगे तभी आपका लोड कम होगा। यदि आपको यदि सिविल सर्विसेज टाइप के चीज़ें करनी है, जैसे कि जेपीएससी करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। मैं भी जॉब करता हूँ, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद थी कि जेपीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन मैं तो पहली बार प्रीलिम्स इसका दे रहा हूँ। हालांकि मैंने बीपीएससी का मेंस भी लिख रखा है, उसका रिज़ल्ट हो सकता है मेंस का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई तक आएगा, उन्होंने कैलेंडर जारी किया है। तो मैं ये कहूँगा पढ़ते रहिए, और बीच बीच में ब्रेक लेना रहे तो ब्रेक भी लीजिए। तो यही है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।